हेलो दोस्तों, आज देखेंगे सैमसंग का कीपैड फ़ोन में कुछ इम्पोर्टेंट कॉल सेटिंग्स। तो इम्पोर्टेंट कॉल सेटिंग्स देखने के लिए पहले आपको मेन्यू ऑप्शन में जाना होगा। मेन्यू ऑप्शन में जाने के बाद सेटिंग्स ऑप्शन में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको एप्लीकेशन पे जाना है। देखिए यहाँ पे बहुत ऑप्शन है सेटिंग्स में, डिस्प्ले, टाइम एंड डेट, फ़ोन, एप्लीकेशन में जाना है। उसके बाद कॉल, मैसेज, कॉन्टैक्ट, कैलेंडर, आपको कॉल ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे तीनों ऑप्शन है, ऑल कॉल, वॉइस कॉल, फेक कॉल। मैं ऑल कॉल में आ गया। शो माई नंबर, यहाँ से आप खुद का नंबर देख सकते हैं। ऑटो रिजेक्ट, आप ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर सकते हैं कॉल को। एंसरिंग मोड कर सकते हैं, कॉल से स्टेटस टोन लगा सकते हैं। अलर्ट ऑन कर सकते हैं, कॉल लिमिट, टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। देखिए शो माई नंबर, अगर आप खुद का नंबर जानना चाहते हैं तो शो माई नंबर में क्लिक करना है आपको। ऑटो रिजेक्ट भी आप कर सकते हैं, कोई भी नंबर ऑटो रिजेक्ट लिस्ट में अंदर ला सकते हैं। आंसरिंग मोड भी ऑन कर सकते हैं, कॉल स्टेटस टोन भी लगा सकते हैं, अलर्ट भी कर सकते हैं, कॉल टाइम लिमिट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है वॉइस कॉल। वॉइस कॉल में कॉल फॉरवर्ड कर सकते हैं, कॉल बेयरिंग कर सकते हैं और कॉल वेटिंग भी लगा सकते हैं। देखिए कॉल बेयरिंग में बहुत ऑप्शन है और कॉल वेटिंग भी आप ऑन कर सकते हैं। मैं चेक कर लेता हूँ, मेरा कॉल वेटिंग ऑन है। उसके बाद देखिए ये कैंसिल कर देता हूँ। ऑटो रिडायल, ऑटो रिडायल भी आप ऑन कर सकते हैं। इसमें बैक आ जाता हूँ। अभी फेक कॉल, फेक कॉल देखिए, फेक कॉल हॉट की और फेक कॉल टाइमर, कोई भी फेक कॉल आता है तो टाइमर लगा सकते हैं या फेक कॉल हॉट की भी ऑन कर सकते हैं। देखिए ये ऑफ है मेरा, अब इसको ऑन भी कर सकते हैं और फेक कॉल भी, टाइमर भी लगा सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर करना। ऐसा और वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन को बजा देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहना, अच्छा रहना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना।